एपिसोड 4 की शुरुआत में क्योतारो हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। साकुरा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। साकुरा सोचता है कि क्या मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊं या इसे पंच मारूं। व्हाइट के अलावा किसी और को टच करना मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन इसके पास साकुरा ना चाहते हुए भी हैंडशेक करता है। वे दोनों एक दूसरे के हाथ को बहुत ही जोर से कस के पकड़ के रखते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके वे दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। और साकुरा जैसे ही अपना हाथ छोड़ता है, क्लास के सभी स्टूडेंट साकुरा के ऊपर टूट पड़ते हैं और सभी लोग यहाँ पर साकुरा के किक की तारीफ करने लगते हैं। और साकुरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वे जब से यहाँ पर आया है उसके साथ सब अलग ही हो रहा है। अब यहाँ पर ये सब मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि तभी क्लास में कोई आ जाता है और वे क्लास में आते ही कहता है, ओ निठल्लो जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो, जल्दी से जल्दी मेरे साथ बाहर चलो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं। अब हमें 30 मिनट पहले ले जाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट ईयर के बंदे जमा हो रहे थे। अब ये सब एक जगह जमा होते हैं और जो बंदा इन्हें बुलाने आया था उनका नाम था ताकिसी, और ताकिसी यहाँ पर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक और बंदा चिल्लाने लगता है, और ये वही बंदा था जिससे कि साकुरा पहले एपिसोड में मिला था। इस बंदे का नाम है तोमा हिगारी और ये फोरिन का थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। साकुरा यहाँ पर नीरज को कहता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, जब मैंने उस कैफे वाले लड़की को बचाया तब वे वहीं पर था। साकुरा को देखकर वे बंदा बहुत ही जिसे साकुरा के पास आता है और साकुरा के मुंह बंद करने लगता है। ये साकुरा को कोने में ले जाकर कहता है, अरे तुम कोताहा के बारे में नहीं कह सकता यहाँ पर, किसी को भी कोताहा के बारे में मत बताना, समझ गया। साकुरा को यहाँ पर इसकी एक भी बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, लेकिन तभी वे बंदा फिर से कहता है कि जो भी हो कोताहा चैन वहाँ पर नहीं थी, समझ गया, लेकिन अगर तुमने फिर भी बता दिया तो मुझे उल्टी आ जाएगी। लेकिन साकुरा को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी ये बंदा अपने जीप से एक दवाई का पैकेट निकालता है और उसमें से एक दवाई को स्टाइल से खाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर बाहर से क्यों आया है, लेकिन तुम बहुत ही खतरनाक कैप्टन के अंदर है। लेकिन साकुरा को अब भी इसकी बातें समझ में नहीं आती। यहाँ पर सभी लोग साकुरा से पूछने लगते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर क्या बातें कर रहे थे। तभी नीरा ये भी नोटिस करता है कि हिगारी स्टोमक का कैप्सूल लेता है। इसके बाद साकुरा को पता चलता है कि हिगारी वॉरफ्रिन का फोर्थ किंग है। ओमे जहाँ यहाँ पर टॉप पर है और ओमे मिया के नीचे काम करते हैं 4 नाइट्स और एक एक नाइट के अंदर 3-3 क्लासेस हैं। वॉरफ्रिन के 4 नाइट्स बेस्ड हैं 4 हेवनली किंग के ऊपर। सबसे पहला है तामो, जिसके बाद है जीकोकू, जिसके बाद जोजो और आखिर में कोमुको, और जहाँ साकुरा और उसके क्लास है तामो टीम के अंदर। इसके बाद हिरागी सभी को टीम में बंटने के लिए कहता है। इसके बाद ये कहता है कि हर एक क्लास में 4 टीम होंगे और हर एक टीम में 5-5 बंदे होंगे, क्योंकि ये लोग अभी टाउन का पेट्रोलिंग करने वाले थे। और किस्मत से साकुरा क्योतारो के साथ एक ही टीम में आ जाता है। साकुरा यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे क्या इसी के साथ होना था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर लड़े इससे पहले यहाँ पर हिराकी आ जाता है जो कि इन दोनों को रोक लेता है। इसके बाद साकुरा कहता है, हमारा मोटिव इस टाउन को बचाना है तो क्यों ना हम उन लोगों को पकड़े जो लोग इस टाउन के पीछे हैं। लेकिन इस पर हिरागी कहता है, ये सब इतना भी आसान नहीं है, तू जो कह रहा है ये CBI की रेड है। हम टाउन की पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि छोटे मोटे गैंग आकर यहाँ पर कब्जा ना कर ले, और बिना मतलब के हमें पहले उलझने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साकुरा यहाँ पर फिर से बहस करने लगता है, क्योंकि साकुरा के दिमाग में एक भी बात नहीं घुसी थी। इसके बाद हिरागी का नजर पड़ता है एक दादी माँ के ऊपर जो कि एक सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रही थी। हिरागी तुरंत वहाँ पर चल जाता है उनकी मदद करने के लिए। हमें वहाँ पर और भी लोग उनकी मदद करते हुए दिखते हैं जो कि यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे। अब ये सब देखकर साकुरा कहता है कि हम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। अब दुकान वाला इनके काम से खुश होकर तायाकी देता है। हिरागी यहाँ पर साकुरा को कहता है कि जब तक तुम किसी को मार ना ले तुम्हें चैन नहीं ना मिलता ना, हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे तुम भी समझ जाएगा कि ये सब चीजें भी बहुत ही सुंदर होते हैं। ये सभी पेट्रोलिंग करते करते एक स्ट्रीट के सामने आ जाते हैं। इन लोग के सामने एक ब्रिज था और इस ब्रिज के पार ऐसा लग रहा था कि उधर एक नया टेरिटोरी है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर एक डॉग का लोगो बना हुआ था। मेरे यहाँ पर तुरंत साकुरा का मुंह बंद कर देता है और भी बताता है कि आगे से दूसरे गैंग का एरिया है।